हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे बहुत अच्छे होंगे आप सब। तो आप सभी को स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल में, नंदिनी हिंदी ब्लॉग में। यहाँ हमारा सारे घर के काम सारा ख़त्म हो गए थी। मैं नहा धो के निकलने के बाद माता रानी का आज भोग बना रही हूँ, साबूदाना की खीर। तो आज मैं इनको यही चढ़ाऊँगी। तो उनके लिए हमने दूध उबाल रखी थी, मैंने साबूदाना को रात को भिंगो के रख दी थी। उसके बाद दूध उबलने के बाद मैंने साबूदाना डाल दी हूँ। जब तक वो साबूदाना 5 से 10 मिनट में तुरंत पक जाओ, बन जाके रेडी हो जाता है। और मैंने यहाँ पर थोड़ी सी धूप के लिए मैं लिए यहाँ पर नारियल के टुकड़े हैं थोड़ा सा। उसके बाद ऊपर मैं धूप रख दी हूँ। और यहाँ पर हमने सारे भगवान जी को स्नान भी कर दी है। और ये मैंने रोज़ फूल लेके आई हूँ माता रानी के लिए। तो मैं इसको अच्छे से मतलब धो लूँगी, क्योंकि कोई भी अगर फूल अगर बिना धोए हम माता रानी को चढ़ाते हैं तो वो स्वीकार नहीं करती है। तो हमेशा हम ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अगर हम पूजा पाठ करें तो हमेशा उनको धोया हुआ चीज़ साफ़ सुथरा से माता रानी को चढ़ाएँ, तभी वो स्वीकार करती है कोई भी पर्व को, कोई भी फूलों फल का प्रसादी का। तो हमने आज माता रानी को लौंग और अलैची मैंने भोग लगाई थी। और आज यहाँ पर खड़ा मिश्री है और किशमिश भी थोड़ी सी चढ़ाई हूँ उनके लिए। और यहाँ पर हमने आज हार नहीं लाई हूँ, तो आज रोज़ गुलाब उनको आज मैं उनके चरणों में रख रही हूँ। तो आज मैंने यहाँ पर हनुमान जी के, गणपति बप्पा के, सारे भगवान जी को मैंने आज रोज़ ही फूलों फूल चढ़ाऊँगी। देखिए, मन का जैसा आपकी जैसा इच्छा है वैसे ही होता है। जरूरी नहीं कि भगवान नहीं चाहते हैं कि हमको ये चीज़ चढ़ा। मन हमेशा एक सच्चे मन से और उनको श्रद्धा भाव से पूजा पाठ किया जाता है। हम दिखावा नहीं करते। मेरा भगवान जी एक दीपक जलाने से भी वो स्वीकार करते हैं पूजा को। तो वहाँ पर मेरा सारा भगवान जी का सामान सब पूजा हो गया था, धूप ने भी मैं जला दी हूँ यहाँ पर। तो चलिए पहले मेरा प्रसादी एक बार चेक कर लेती हूँ। तो मेरा यहाँ पर साबूदाना के खीर बन के रेडी हो गई थी। यहाँ पर हमने शक्कर डाल दी है। शक्कर को मैं अच्छे से 2 मिनट तक पकाऊंगी, उसके बाद मेरे प्रसादी को ठंडा करके माता रानी को भोग लगा दूँगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर साथ में थोड़ा सा बादाम भी काटी थी, तो मैंने ये भी उनको मतलब डाल देती हूँ इसमें, थोड़ा सा खाने में अच्छा लगता है। और यहाँ पर हमने भगवान जी के स्टील के बर्तन लिए, छोटे छोटे कटोरी। मैंने यहाँ पर 2-3 भगवान कान्हा जी के, गणपति बप्पा के, माता रानी को चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पर हल्का हल्का उनके ऊपर भी थोड़ा सा बादाम छिटक देती हूँ। तो चलिए, माता रानी का भोग मेरा रेडी हो चुका है। मैंने इसमें थोड़ा तुलसी पत्ता धो के डाल देती हूँ माता रानी को और कान्हा जी को, क्योंकि गणपति बप्पा को तुलसी पत्ता नहीं चढ़ाया जाता है, शिव जी पर नहीं चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर हमने थोड़े भगवान जी को धूप चढ़ा देती हूँ, फिर पूजा करके मिलते हैं आप लोग से। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए मेरी माता रानी से, और आप लोग का हर इच्छा है माता रानी पूरी करे, स्वस्थ रखे, हेल्दी रखे माता रानी। लेके जा, क्या मस्ती करती है इन टाइम? ये लो तुम्हारा गंदी बात, सैंपल नहीं लेना चाहिए। ले ले, पर क्या ले? दो पैक सब रख दो वहाँ, पिंक का डब्बा। ठीक, ले ले गोला परी, मस्ती नहीं करने का, जाओ। सभी सभी का वही खीर, सबको नाश्ता पानी हो गया है। चलिए हम सांभर बनाए, क्या मस्ती करती है टाइम, जा रखो, जा उठ गया। गोलू को, गोलू को, गोलू को, गोलू को, ए ले आई, बंद करो। चल, तो चलिए अभी दवाई खाना, दवा खा के सांभर बनाना स्टार्ट। बोला तू बैठ जा। तो फ्रेंड्स, पहले दवाई खाती हूँ, उसके बाद काम स्टार्ट करूँगी। इधर मेरा दवाई फेंक देता है लोग, ये देखिए दवाई है, मिला बेटा। चलिए ये खाती हूँ। 3 टाइम दिया है खाने के लिए, सुबह, दोपहर, रात, लेकिन सुबह नहीं की हूँ। तो अब ये खा लेती हूँ फटाफट। दवाई खाना मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी नहीं। मट्टी का है।
हम लोग बोलते हैं खपर पोड़ो रोटी, इसमें बनाएंगे। तो देखती हूँ रात को, ये लेके 50 रुपया पड़ा था, इसको 10, इसका 50। पूजा पाठ करने के बाद सभी को नाश्ता पानी दे दी थी, हमने भी खा ली थी, और ये सब नहीं सूट करी मैंने। गोलू मोबाइल ले लेती ना, फिर मेरा आधा अधूरा ये मतलब वीडियो शूट हो पाता है, तो माफ़ कीजिएगा मुझे आप लोग। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मेरे पास कुछ कुछ सब्जियाँ थी, थोड़ा थोड़ा बैंगन, थोड़ी सी लौकी थी, थोड़ी सी मतलब जो येलो पम्पकिन रहती है ना फ्रेंड्स वो, और अभी जानते हैं ना थोड़ा सा तबीयत ख़राब हुआ बुखार के वजह से, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ा सा चटपटा कुछ खाने का मन कर रहा था। मैं सोच चलिए यही वाला बना लेती हूँ, थोड़ा सा इमली वगैरह जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, मन फ्रेश लगेगा। तो हमने सारे सब्जियां को काट ली है, फिर कुकर में लगा दूँगी करीब 2 सीटी दाल हल्दी नमक डाल के मैंने 2 सीटी लगा ली है कुकर में। अलग सूखी बहुत जल्दी पक जाती है कुकर में अगर 1 सीटी 2 सीटी में, और ज़्यादा सब्ज़ियाँ गलाने से अच्छा नहीं लगता खाने में। तो यहाँ पर हमारा तेल गर्म हो चुका था, मैंने इसमें थोड़ा सा डाली हूँ मेथी दाना, थोड़ी राई, थोड़ी सी लहसुन, थोड़ी सी अदरक काट के, उसके बाद प्याज, कड़ी पत्ता, ये सब में जिसका तड़के में मैं डालती हूँ, इसका एक मतलब स्वाद अच्छा सा आता है मुझे लगता है। और देखिए सभी का एक्सपीरियंस, सभी का सांभर बनाने का अलग अलग तरीके होते हैं, कोई सबका सांभर एक जैसा नहीं बनता है, सभी के घर में अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं सभी का। ये मेरा खुद का रेसिपी है इसलिए मैंने बनाती हूँ ऐसा, बाकी आप लोग जैसा, पर इस तरीके से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, एक बार ट्राई कीजिएगा आप लोग भी। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सारे मसाले भुनने के बाद, मैंने टमाटर भी अच्छे से गल चुका था मैंने, उसके बाद सांभर मसाला जो होता है मैं डाल देती हूँ, इसको 2 मिनट तक पकाऊँगी, मसाले को जो हमने जो दाल को जो उबाल के रखी है मैं वो डाल दूँगी इसमें। देखिए सब्जी दाल अच्छे से पक चुके थे, तो मैंने इसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद, मैंने ये रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन फिर भी एक बार मैंने आप लोग को प्रॉपर नहीं दिखा पाई हूँ तो क्योंकि। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरे जब तक सब्जी सांभर बन रहे थे ना, मैं तक कपड़ा रखा हुआ था, मैंने ये भी घाट लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। फ्रेंड देख सकते हैं इमली का पल्प भी मैंने अच्छे से बना के रख ली है, यहाँ पर देख सकते हैं सांभर अच्छे से उबल चुका है, मैंने इमली का जो पल्प था वो डाल दूंगी। बस एक उबाल आने के बाद इसको मैं धनिया पत्ता डाल के बंद कर देंगे गैस, क्योंकि खटाई डालने के बाद तुरंत गैस बंद किया जाता है। मैं डालती हूँ, पता नहीं आप लोग क्या कैसे बनाते हैं, एक बार ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर खाना पीना हो गया था, बच गई थी, शाम की टाइम हो रही थी। ये देखिए ठीक है, अच्छा बना लेती हूँ। आप लोग भी आइए खा के जाइए। दोनों हाथ पकड़ के हिला मत। क्या हुआ? ये गोलू देखो, यूट्यूब पे देखा था तब मुझे मिला था, एक यूट्यूबर ने यहाँ पर दिखाया था। और ये देखिए, और ये देखिए नमकीन, टेस्टी टेस्टी, मुँह का आवाज आ रहा होगा। तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं घर पे, क्योंकि इस पर सिर्फ सॉल्ट वाटर एंड फ्लोर आता है, मैदा और पानी, और आप नमक को उसे अच्छे से फ्लोर बना लो, मतलब उसे एक क्या बना लो, उसे डो बना लो, और उस पर क्या करते हो, डो बना के छोटे छोटे बॉल बना के उसको चपाती की तरह बना लेते हैं, चपाती की तरह बना के उसे कट कर दो स्क्वायर शेप पे। और ये देखो फ्राई कर देना चाहिए, इजी बन जाएगा। को यहाँ मिल गया है चाय और नमकीन,
बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता माँ, मुँह ना एकदम अजीब जैसा लग रहा था, बासी टाइप में तीता तीता, इसलिए बनाई हुई है। अब लोग भी आई अच्छी नहीं अच्छा है। चालू करना पहले सब अपने अपना 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 बंद कर, आज जो पास 10 मिनट अपने बंद करना ना बंद।